हे गाइस, रॉयल पास आ चुका है तो मैंने सोचा यार इसको अपग्रेड करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड बहुत कुछ उम्मीदें हैं नहीं मेरे को ये वाले रॉयल पास से। जब ये आया तो यार मैं समझ गया कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें खास, क्योंकि रॉयल पास काफ़ी पुराना है यार। तो मैं सोच रहा था इसको अपग्रेड करूँ ना करूँ, फुल अपग्रेड करूँ या ऐसा लोकल सा रॉयल पास लेके छोड़ दूँ। मैं फिलहाल इसको खरीदने वाला हूँ और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस बार का जो रॉयल पास है वो कैसा लगा। एक नॉर्मल फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, उसी मैंने ऐड कर लिए प्ले स्टोर से, आप देख सकते हो जूम भी अब जाके हो रहा है। तो सीधा चलते हैं यार रॉयल पास पे, मैं कोई भी फुल अपग्रेड इसको करने नहीं वाला अभी फिलहाल। देखा जाए तो यार सिर्फ 50 RP ही आई है एंड 50 RP में देखेंगे यार क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। पहले अपन खरीद लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या क्या आया है। सो दो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, फुल अपग्रेड इसको मैं करने वाला हूँ नहीं, तो ट्राई करते हैं गाइज इस वाले के साथ जाने का ही। एंड एक डिडक्शन कूपन लगेगा अपना इसको करके। एंड फाइनली गाइज इस सीज़न का जो RP है वो हमने परचेस कर लिया है, देखते हैं इसको आगे खोल के। एक तो अपने को रॉयल पास मिला है, थोड़ा सा वीडियो शेकी बनेगी गाइस क्योंकि एक ही हाथ से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ एंड माइक में भी बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा शेकी रहेगा इफेक्ट हल्का सा। UC को सेलेक्ट करके डायरेक्ट जो है अपन UC लेने जाएंगे ऑब्वियसली। एंड चलो अब थोड़ा सा देखते हैं यार रॉयल पास में वैसे है क्या क्या इस बार। चीज़ें तो ठीक ही आई हैं मतलब इस रॉयल पास के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी टाइम से रॉयल पास देखने को मिला है। तो लेवल 1 पे हमको एक ये सूट देखने को मिल रहा है गाइस, सूट तो ठीक ही है ये। एंड एक ये पिस्टल सी है। लेवल 2 पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता हमको। लेवल 3 पे UC है। 4 पे भी कुछ ज़्यादा है नहीं। एक ये मिल रहा है आपको रैंक पुश करते समय, अभी आएगा ना रैंक तो मज़ा आएगा ये वाले कार्ड के साथ। एक ये पिस्टल का स्किन है जिसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, इनको भी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे थोड़ी UC मिल रही है, कुछ तो है ये टाइटल है वगैरह, पता नहीं मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ यार क्या है ये चीज़। फिर एक स्किन मिल रही है गाइस इसकी प्लेन की, ठीक है ये बुरी नहीं है कुल मिला के देखा जाए तो। 15 लेवल पे आपको ये एक क्या है ये एवेटार देखने को मिलेगा, यही सूट आ रखा है आई थिंक किसी का ही एवेटार है। और एक ये हेलमेट भी मिलेगा इस पर शायद, इन दोनों में से कोई एक चीज़ या फिर दोनों। स्टन ग्रेनेड का स्किन है एक, ये भी किसी खास काम का नहीं है यार। कुछ अच्छा देते हैं नहीं वैसे ये देखा जाए तो ना। आप मेरे को एक चीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, आप अपने फेवरेट लेवल को सिलेक्ट करो, जैसे कि आपको 25 लेवल पे ये सूट बढ़िया लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि यार 25 लेवल वाला ये जो सूट है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। तो देखते हैं लोगों को इस रॉयल पास में पसंद क्या आया है। अभी तक देखा जाए तो वो एक प्लेन की स्किन है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। ये घटिया स्किन है, ये तो भाई एकदम घटिया स्किन है, पूरी घटिया स्किन है, किसी काम की नहीं है। बट ठीक है, परसेप्शन है लोगों का अपना अपना, किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं। ये एक इमोट आया है जिसका कुछ ठीक है, बढ़िया है ये इमोट, बढ़िया है देखा जाए तो। एंड एक ये जो न्यू गन आई है गाइज P90, इसकी स्किन आ रखी है, पूरी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है स्किन, मतलब ये गन कम लगती है यार, ये मटेरियल ज़्यादा लगता है पता। कुल मिला के आपकी सारी की सारी जो UC है वो तो आपको वापस मिली जानी है गाइज। एंड ये देखो गाइज लिटरली ये है स्किन, बट यार मतलब QBZ की क्यों भाई, QBZ क्यों स्कारल दे देते और ऐसी स्किन लाओ ना यार, पता नहीं इनको क्या हो गया है। मतलब ऐसी स्किन ये देते ही नहीं है, ऐसी अगर स्किन हो उसके ऊपर एक बढ़िया सा किल फीड हो, एक किल मैसेज हो, एक क्रेट हो, मतलब बेस्ट स्किन हो जाएगी बताइए अभी तक की। बट ऐसी स्किन ने देना ही बंद कर दिया यार, लोकल सी ला रहे एकदम मज़ा नहीं आता इसमें। 7 डे का रूम कार्ड, ये तो भाई साहब इतने भरे पड़े हैं मेरे पे, बहुत ज़्यादा ही है। एंड फाइनली 50 लेवल पर आपको मिलेगा ये जोकर सेट देखने को मिलेगा आपको, जोकर ही लग रहा भाई टोटली एकदम पता, पूरा का पूरा जोकर लग रहा है। तो चलो मेरे को उतना खास अच्छा नहीं लगा, एक जोकर सेट और ये कि प्लेन की स्किन अभी भी मेरे को देखो अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है एकदम, वाइट एंड रेड काफ़ी वाइब्रेंट भी है, मेरे को तो बहुत सही लगी, सेक्सी लगी गाइज एकदम। आप बताना आपको कैसी लगी ये रॉयल पास। था फिलहाल आगे एक गेम प्ले चलेगा गाइज, गेम प्ले देख लेना थोड़ा। बाकी फिलहाल ये गेम प्ले देखो गाइज, यहाँ पे जॉर्जिया पुल जा रहे थे हम और बहुत सारी टीमें आ जाती हैं। अब मैं रैंडम खेल रहा था और जो टीमें थी वो भी ठीक ठाक आ रही थी, अब इनको देखो कैसे भरते हैं। और एक जगह पे मेरी बग्गी इतनी गंदी फंस जाती है इन कंटेनर्स के अंदर, तो वो वाला सीन देखना तो बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल यहाँ पे मेरे जस्ट बाजू में एक बंदा उतरा है, अच्छा इसको कोई गन नहीं मिली, अदरवाइज ये मेरे को भर देता क्योंकि मैंने एक टाइम तक उसको देखा नहीं था एंड उसने मेरे को देख लिया था। हाल इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मेरी जो टीम थी ना गाइज वो ना कहीं फाइट करते करते किसी और बंदों के बीच में फंस जाती है। फिलहाल मेरे बाजू में एक बंदा है, पहले उसको भरते हैं बाद में अपनी टीम को बचाएंगे, क्योंकि मेरी टीम जो है मेरे को कॉल आउट दे रही है कि वो जो है फंस चुके हैं एंड उन्हें जो है बचाना पड़ेगा अभी मेरे को। ये तो ख़त्म हो गया गाइज, यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है, अब शायद मैं अपनी टीम के पास जा सकता हूं क्योंकि मैं यहां पे जो है ऑलमोस्ट सबको क्लियर कर चुका हूं। दो ही थे यार, कितना कोई क्लियर करना। अब चलते हैं अपनी टीम की साइड, इधर मेरी टीम गाइस, वैसे मेरी टीम भी काफ़ी अच्छी है, एक बंदा तो मेरे आने से पहले ही फिनिश हो जाता है तो उसका कुछ कर नहीं सकते।
अभी आपने देखा गाइस यहाँ पे जो है एक बग्गी आई थी एंड इन्होंने अपनी बग्गी जो है पूरा कंटेनर्स के अंदर डाल दी। सो मैं इनको जो एक एक करके फिनिश कर देता हूँ, नॉक मैंने पहले कर दिया था एंड अब लेके जाएंगे इनकी बग्गी को यहाँ से। अब जब इनकी बग्गी को मैं यहाँ से निकालने ले जाता हूँ, अब देखना क्या होता है, पीछे से मेरे पर हमला होता है और मतलब बाल बाल बचा मैं यहाँ पे। बट ये जो बग्गी थी वो एक ऐसे टाइम पे फंसने वाली थी जहाँ पे जो है मेरे टीममेट सारे के सारे नॉक हो जाते हैं एंड मेरे को जो है उनको बचाने के लिए जाना पड़ता है। बट जाऊँ कैसे यार, बग्गी जो है इसके अंदर फंस चुके हैं एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बंदा है, बॉट लग रहा है मेरे को। अब जो भी हो यहाँ पे उसका भरोसा नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे जो है बग्गी के ऊपर स्मोक डाल दिया ताकि वो बंदा जो है मेरे को मार ना दे, क्योंकि यहाँ पे इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, फंसी हुई है बहुत गंदे तरीके से। तो करीबन यहाँ पे मेरे को अपने 10 से 12 मिनट वेस्ट करने के बाद फाइनली जाके बग्गी निकलती है एंड अब जाएंगे, अब बस तो रेवी कर सकते अपने टीम मेट्स को यार, क्योंकि फिनिश हो चुके वो, जब तक निकलता तब तक तो मारे जा चुके थे। अब यहाँ पे एक क्लच देखने को मिलेगा आपको। अब पहले तो मेरे को पता ही नहीं था यार रिकॉल नाम की भी कोई चीज होती है, फिर ये बनता देखो। एंड यहाँ पे होता गाइस एक प्यारा सा 1v4, बट अभी रुको कुछ और बंदे भी यहाँ पे फ्री के मेरे पास, इनको भी फिनिश कर ही देता हूँ। मेरे को नहीं पता था यार इसमें रिकॉल विकॉल का सिस्टम भी होता है, ये शायद कल जो अपडेट आया उसके बाद ही आया है। अब मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे पहले तो ये था नहीं गेम के अंदर। खैर जो भी हो, अपने को एटलीस्ट डबल लाइफ तो मिल रही है। अब मैंने अपनी टीम को रैव कर दिया है, एटलीस्ट जब मैं मरूंगा तो ये मेरे को भी रैव करेंगे। अभी एंड ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार, क्योंकि जितनी भी दूर आप बंदों को नॉक करते हो लिख के आता, तो मैंने कम से कम 250 मीटर दूर एक बंदे को नॉक किया था, वो भी रेड डॉट से। अब मेरा जो फिनिश है वो इस बॉट ने चुरा लिया, बट इस बॉट को मैंने फिनिश कर दिया तो बराबर हो गया कुल मिला के मान लो बंदे। अब आते इस जगह पे और यहाँ पे थी टीम। अब वेयर हाउस के अंदर मैंने फुट सुन लिया था गाइस और मैं रोकता हूँ थोड़ा सा दूरी पे, क्योंकि यहाँ से हम उनको इजीली मार सकते थे। अब ये वेयर हाउस वाले बंदों को खत्म कर दिया, लेकिन जून के बाहर से भी हमको जो है पड़ रही थी एंड मैंने सोचा ऐसे टाइम पे क्यों ना AWM का यूज़ किया जाए। मैंने उठाया AWM, अब जो बंदे जोन के बाहर थे उनको ट्राई करते मारने का। अब जो फायरिंग है गाइस वो आ रही थी इस साइड से, जिस तरफ मैं देख रहा हूँ। गए बेचारे दोनों के दोनों। अब उसके बाद ना दिक्कतें हमारे लिए बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जोन ना जब जब आपसे दूर जाता है तो फिर हर राउंड हर बार जोन जो आपसे दूर ही करता है, और कुछ वैसा ही हुआ, इतनी दूर से आए हम जोन के अंदर एंड इस बार भी कुछ वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे आए एक टीम मिलती है हमको, अब इस टीम से फाइट के दौरान देखना क्या होता है। अब पहले तो अपन यहाँ पे आए, फिर बंदे ना ओपन में दिखते हैं मेरे को, तो यहाँ से एंगल नहीं बन रहा था, दैट्स व्हाई मैंने अपनी बग्गी उठाई एंड बिल्कुल एंगल घुमा के उनके पीछे ले गया मैं, क्योंकि सामने वाली जो हिल आपको दिख रही है ना वहाँ से शायद इनके ऊपर एंगल बन सकता है एंड कहीं ना कहीं ये लोग जो है सैंडविच हो सकते हैं वहाँ पे। सो मैं बग्गी घुमा के बिल्कुल इस जगह पे ले आया। अब यहाँ से ना अपडेटेड ऑक का जो है थोड़ा स्प्रे देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा रिकॉइल भी बढ़ गया इसका। अब सुनने में तो आ रहा है यार कि अपडेट हो गई है ऑक। बाकी आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है कि ऑग अपडेट हो गई है, थोड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि पहले यार लोग ऑग को यूज़ ही नहीं करते थे, सबसे यूजलेस गन थी है। मतलब इसका रिकॉइल कम था लेकिन M4
इसको मतलब M4 को टक्कर नहीं दे पाती थी ये, लेकिन फिलहाल जो है अब लोग इसको धीरे धीरे ना यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे मे बी मैचों के अंदर, क्योंकि सुना है अपडेट आ गया इसके अंदर। खैर यहाँ से अब बग्गी लेके निकले, क्योंकि वो जो बीच वाले बंदे जिनको मैं मारने के लिए आया था उनको मैं फिनिश कर चुका था, लेकिन मेरे टीममेट अभी भी फाइट कर रहे थे, पता नहीं किसके साथ फाइट कर रहे थे ये लोग। एंड दोनों के दोनों फिनिश, उस साइड से मेरे टीममेट ने मारा, इस साइड से मैंने, एंड ये जो बंदे हैं ये हो जाते हैं गाइस फिनिश। अब वहाँ से ना देखो कितनी दूर आए अपन, बिल्कुल मतलब ये साइड जोन बहुत ही रेयर ही बनता है पता। अब यहाँ पे मेरे को कुछ बंदे दिखते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा बेटर एंगल चाहिए था, थोड़ा सा ऊंचाई वाला जहाँ से मैं थोड़ा और अच्छे से देख पाऊँ, और थोड़ा दूर भी रहता तो भी मतलब कोई कमी नहीं थी क्योंकि मेरे पे ओम थी। सो यहाँ से मैंने बंदों को सपोर्ट किया, थोड़ा डैमेज दिया, एंड उसके बाद हेड, दूसरे को भी हेड मारने की ट्राई करता हूँ बट चूक गया मैं, एंड वो बंदा कवर में चला गया। सो मेरे लिए अब बेस्ट था कि मैं पुश कर दूँ उनके ऊपर, और वो जो है दो बंदे जो मेरे को दिखे थे, वो दो बंदे थे जो मेरे को सिर्फ दिखे, बाकी दो बंदे इनके और थे वो भी वहीं पे ही थे, क्योंकि इतनी देर से जब फायरिंग हो रही थी मेरे एक टीममेट इसी के साथ ही फायरिंग कर रहा था, फाइट कर रहा था थोड़ी देर पहले। अभी जब तक उनको रिवाइव मिलता ना तब तक मैं जो है अच्छे से बिल्कुल उनके लेफ्ट से आ जाता हूँ। अब मेरा टीममेट सामने से मार रहा था और मैं इधर ही से मार रहा था इनको, सो यहाँ पे ना हमने कुल मिला के इनको सैंडविच कर दिया था, एंड ये टीम ना फंस ही चुकी थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ से पीक नहीं कर रहे थे, तो अपन ना जितना हो सके क्लोज गए उनके, एंड एक आधा जो बंदा बचा हुआ था वो भी फिनिश, एंड ये टीम गई गाइज। तो ये बढ़िया है, वहाँ से मेरा टीम ने मारा, इधर से बिल्कुल लेफ्ट आके मैंने मारा, तो ये टीम भी हो गई ख़त्म। अब गिनते के कुछ बंदे बचे हुए थे, और मैं और मेरा ये टीममेट ये काफ़ी देर तक भाई जिंदा रहा था, बाकी धीरे धीरे एक एक करके ठील गए थे, लेकिन ये मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है। अब जो किल है वो 23 हो चुके थे, और ये किल भी मेरे को ही मिलता है जबकि डैमेज इसने दे दिया था ऑलमोस्ट। हाँ बट मेरे लिए एक डिसएडवांटेज ये था कि मैं ड्राइव भी कर रहा था, तो ये बंदे ने चांस खो दिया, जिसका मैं जो है कोई भी इसको दोष देना नहीं चाहूँगा। फिलहाल आखिरी के शायद तीन बंदे बचे हुए हैं, अब पेड़ के पीछे यही शायद आखिरी बंदा बचा हुआ है। और फाइनली इसी के साथ होता है गाइस ये वाले सीजन का पहला चिकन डिनर, हालांकि जो न्यू सीजन है वो नहीं आया है, बट कह सकते हो कि जब से BGMI आया है तब से ये मेरा पहला चिकन डिनर है। सो आई होप आपको ये वीडियो गाइस अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा। थैंक यू गाइस।